हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बॉन्जोर इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। यदि आप कश्मीर ट्रिप प्लान कर रहे हो, नवंबर दिसंबर में कश्मीर जाने वाले हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको कश्मीर की जो पहली स्नोफॉल थी उससे रिलेटेड अपडेट दिया था, और ये चैनल पहली चैनल थी जिसने कश्मीर स्नोफॉल से रिलेटेड अपडेट दिया था। दोस्तों तुरंत अपडेट दिया, उसी दिन अपडेट दिया, राइट इन द मॉर्निंग। ऐसे 22 अक्टूबर रात से ही स्नोफॉल चालू हो गई थी, बट 23 जो है प्रॉपर स्नोफॉल 23 को लोगों को देखने को मिला। दोस्तों हमेशा जो है नवंबर में जनरली कश्मीर की पहली स्नोफॉल होती है, बट इस बार एक महीने पहले ही कश्मीर में स्नोफॉल हो गई। दोस्तों और सच बोलू तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी स्नोफॉल होगा। बहुत से लोग बस अंदाजा लगा रहे थे, वेदर फोरकास्ट देख रहे थे, बट अपडेट उन्हें मिला दोस्तों जो हमेशा फॉलो अप ले रहे थे, हमेशा अपने कॉन्टेक्ट से बने हुए थे, वो ही अपने सब्सक्राइबर को अच्छे से अपडेट दे पाए। दोस्तों तो अगर आप चाहते हो कि मैं यूं ही आपको कश्मीर से रिलेटेड ऐसे अपडेट्स देता रहूं, हमारा मोरल अप रहे, तो जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी लोग आपके दोस्त आपके रिलेटिव्स कश्मीर की प्लानिंग कर रहे हैं, कश्मीर लवर्स हैं, उनको ये वीडियो शेयर करें। दोस्तों हर 4 से 5 दिनों में मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, चाहे वहाँ का मौसम हो, स्नोफॉल हो, नेक्स्ट स्नोफॉल कब होगा उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, टूरिस्ट की तादाद हो, सेफ्टी हो, कैब रेट्स हो, पैकेजेस हो, जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपको बताता रहूंगा। आज का मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको मैं जो भी अभी ताजे अपडेट्स हैं उससे मैं आपको फैमिलियर कराना चाहता हूँ। मौसम के हालात, स्नोफॉल से रिलेटेड कैसा मौसम है अभी घूमने के लिए सही है, इसके बारे में आपको अपडेट करना था। उसके साथ ही बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चंस आ रहे थे हमारे चैनल में, तो वो भी हमें यहाँ आप सबसे डिस्कस करना था, ताकि और भी जो दूसरे व्यूअर्स हैं वो भी इन बातों को जान सके और एक सही डिसीजन ले सके कश्मीर ट्रिप से रिलेटेड। दोस्तों तो मेन बातें स्टार्ट करने से पहले कुछ वीडियोज आई है मेरे पास, आज के ही पहलगाम गुलमर्ग की वीडियोज है, तो उसे आप जरूर देखें, बहुत ही अच्छे क्वालिटीज में वीडियोस आए हैं। मेरे फ्रेंड मिस्टर रुफैद हैं वहां पे, और पहले भी मैंने इनके बारे में आपको बताया था कि कश्मीर के वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड एंड ओल्डेस्ट ट्रैवल एजेंसी है इनकी, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलो वीडियोस देखते हैं। आराम से सर, हाँ कुछ नहीं करना है, बस बॉडी का वेट आगे, वेट आगे, वेट आगे, पीछे नहीं बैठना है। बस 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 तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कमेंट इसी बारे में है कि अभी कश्मीर में टूरिस्ट के लिए कैसा माहौल है, क्या अभी कश्मीर जाना सेफ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्नोफॉल की खूबसूरती देखने के चक्कर में हम वहां फंस जाएं, वहां कर्फ्यू लग जाए या कोई बड़ी इमरजेंसी हो जाए, कुछ ऐसा तो नहीं होगा। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। अभी के बारे में आपको यही बताना चाहूंगा कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो लोकल पुलिस है वहां की, ये दोनों मिलकर बहुत अच्छी लीड ले चुके हैं दोस्तों। और अभी आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में दोबारा वैसा इंसिडेंट नहीं हुआ है जो कि 15-20 दिन पहले हो रही थी। दोस्तों जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोस में अपडेट किया था कि नवरात्रि के टाइम, दुर्गा पूजा के टाइम रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हुई थी दोस्तों इस बार कश्मीर में, उन सारे इंसिडेंट्स के होते हुए भी रिकॉर्ड बनी थी दोस्तों क्राउड के मामले में, और पिछले साल से भी ज्यादा क्राउड इस बार थी, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा माहौल है अभी वहां पे। तो मैं यही बोलूंगा कि हमारे जो जवान हैं, हमारे जो वहां की लोकल पुलिस है, उन पे भरोसा रखें आप, ज्यादा लोड ना लें, अपना ट्रिप एंजॉय करें,
और अच्छे यादें लेकर वापस घर जाएं दोस्तों। द सेकेंड मोस्ट आस्ट क्वेश्चन कमेंट इज कि स्नोफॉल कब होगी, स्नोफॉल नवंबर में रहेगा या नहीं, दिसंबर में रहेगा नहीं, हमारा 15 नवंबर को ट्रिप है, 5 नवंबर को ट्रिप है, तो आप प्लीज बताओ कि उस समय स्नो रहेगा या नहीं रहेगा। शैलेश नागपुरे, रवि कुमार सोनी जी, अनीश सिद्दीकी जी, ये कुछ लोग हैं जो स्नोफॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि वो 15 नवंबर को जाने वाले हैं या 5 नवंबर को जाने वाले हैं, तो आप प्लीज बताओ उस समय स्नो रहेगी कि नहीं रहेगी, नहीं रहेगी तो अगला स्नोफॉल कब होगा। कि दोस्तों पहली स्नोफॉल हो चुकी है, और जब एक बार पहली स्नोफॉल हो जाती है तो उसके बाद बर्फ कभी हटती नहीं, स्नोफॉल होते रहते हैं दोस्तों। तो 22 अक्टूबर से स्नोफॉल स्टार्ट हुई थी, पहली स्नोफॉल हो चुकी है, तो ये कंटिन्यू रहेगा गर्मियों तक। तो आप कभी भी आओगे तो आपको स्नो मिलेगी ही दोस्तों, चाहे आप नवंबर में आओ, दिसंबर में आओ, जैन में आओ, फेब में आओ, मार्च में आओ, अप्रैल तक भी स्नो मिलती है दोस्तों। और जहां तक लाइव स्नोफॉल की बात है तो वो आपके लक पे भी डिपेंड करती है। आप ट्राई करो कि अगर आपने अभी प्लान नहीं किया है तो वेदर फोरकास्ट के हिसाब से प्लान करो, 4-5 दिन आप आगे पीछे लेकर चलो कि अगर स्नोफॉल होती है तो हम कोई भी एक दिन स्नोफॉल देख सकें। तो स्नोफॉल की आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, जो भी प्रोबेबिलिटी बनेगी, वेदर फोरकास्ट होगा, मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी तो नवंबर दिसंबर में बहुत स्नोफॉल होगी दोस्तों, जनवरी में भी बहुत स्नोफॉल होगी, तो जो भी होगा मैं अपडेट आपको करता रहूंगा, ट्राई करूंगा एग्जैक्ट डेट्स आपको बताने की। बहुत से जो टूरिस्ट है वो पूछ रहे हैं कि अभी क्राउड कैसा है ये हमें बताइए, ज्यादा भीड़ है या कम भीड़ है। तो दोस्तों दुर्गा पूजा के समय बहुत ज्यादा भीड़ थी, अराउंड 5 से 10 हजार लोग गुलमर्ग एंटर कर रहे थे हर दिन, मैंने पहले भी आपको बताया था, और 1000-2000 स्टे कर रहे थे हर दिन वहां पे। यही हाल पहलगाम का भी था, यही हाल श्रीनगर का भी था दोस्तों, गुलमर्ग में सबसे ज्यादा क्राउड था। तो उस समय बहुत ज्यादा क्राउड थी, बट अभी दिवाली से पहले क्राउड उतनी नहीं है, क्राउड कम हो चुकी है, बट दिवाली के बाद और क्रिसमस के दौरान बहुत चांस है कि बहुत ज्यादा क्राउड होगी और 2-3 टाइम्स क्राउड बढ़ जाएगी दोस्तों। और अगर आपको कैब्स पैकेजेस वगैरह करनी है तो वो भी अभी से कर ले, जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी दोस्तों, होटल्स वगैरह अकोमोडेशन में शॉर्टेज होगा, और अभी विंटर का टाइम भी आ रहा है तो हीटिंग वगैरह से बहुत ज्यादा हाई हो जाता है रेट होटल्स वगैरह का, जो गुलमर्ग पहलगाम के होटल्स है उनका रेट काफी हाई हो जाता है स्नोफॉल के बाद। तो आप अगर पहले से ये सब अरेंजमेंट्स कर लेते हो तो आपको काफी डिस्काउंट्स मिल सकता है दोस्तों। बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि हमें पैकेज लेना चाहिए या खुद से कैब या लोकल ट्रांसपोर्ट लेकर ट्रैवल करना चाहिए। दोस्तों अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, सिंगल हो, तब आप लोकल ट्रांसपोर्ट आराम से यूज कर सकते हो, आप मैनेज कर लोगे। बट अगर आप कपल हो, फैमिली साथ आ रहे हो, तो लोकल ट्रांसपोर्ट से अच्छा है कि आप एक कैब ही कर लो, उसमें आपके पैसे भी बचेंगे, क्योंकि आप ज्यादा लोग रहोगे, ज्यादा टिकट्स होंगे लोकल ट्रांसपोर्ट में, तो बात तो वही हो जाएगी। आप अगर 2 लोग भी हो तो बहुत डिफरेंस नहीं आएगा लोकल ट्रांसपोर्ट और कैब में, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। कैब में आपको कंफर्ट है, आपकी आजादी, आप कहीं भी रुक सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, सुविधा है और प्राइवेसी है दोस्तों। बहुत लोग ये जानना चाह रहे हैं कि पैकेज ले या सिर्फ कैब कर ले। दोस्तों अगर आप डेली अप डाउन करना चाह रहे हो श्रीनगर से, श्रीनगर से पहलगाम, श्रीनगर से गुलमर्ग, सोनमर्ग, दूधपथरी, डेली बेसिस पर अगर आप करना चाह रहे हो तो आप एक कैब हायर कर लो, आप कोई भी होटल ले लो, एक कैब आप हायर कर लो, उससे आपका काम हो जाएगा, आपकी अच्छी ट्रिप हो जाएगी दोस्तों। लेकिन अगर आप हर जगह स्टे कर रहे हो, 2 दिन गुलमर्ग में, 1 दिन पहलगाम में, 1 दिन सोनमर्ग में, तो पैकेज जो है आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा और आपके पैसे बचाएगा दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी विंटर सीजन में टूरिस्ट की बूम देखी जाएगी दोस्तों, और हीटिंग के वजह से जो स्नो एरियाज हैं, गुलमर्ग है सबसे पहले, सोनमर्ग है, पहलगाम है, वहां पे हीटिंग के वजह से जो रेंट होता है, जो पर डे चार्जेस लेते हैं होटल, वो काफी हाई चला जाता है। 6-7 हजार से कम में आपको गुलमर्ग में या पहलगाम में आपको होटल नहीं मिलती दोस्तों इस टाइम। मेरे हिसाब से अगर आपका स्टे हर जगह है तो आप पैकेज ले सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ये सब जो है, जो ट्रैवल एजेंसीज हैं, जो होस्ट हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बल्क बुकिंग कराते हैं, चाहे वो फ्लाइट हो चाहे होटल्स हो, और लोकल होने का भी इन्हें बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि आप कुछ भी हो तो आप टूरिस्ट हो, आप बाहर से आ रहे हो, तो आपके लिए रेट वो नहीं रहेगा जो एक लोकल के लिए होगा दोस्तों। आप बहुत हाई फाई ट्रैवल एजेंसी के पास मत जाओ, जो भी वहां के लोकल ट्रैवल एजेंसी है
आप उन्हीं से अपना पैकेज कराओ दोस्तों, अगर आपको पैकेज लेना है। और जो लोग डेली अप डाउन करके एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, कैब हायर करना चाह रहे हैं, तो उन्हें मैं यही बोलूंगा कि काफी कॉशियस रहने की जरूरत होती है दोस्तों कैब ड्राइवर चुनने में, क्योंकि कश्मीर में हर एक कैब ड्राइवर खुद को ट्रैवल एजेंसी समझता है दोस्तों। यदि आप किसी गलत ड्राइवर, किसी लालची ड्राइवर के हाथ पड़ गए तो बहुत चांसेस है कि आपको वो 2 times 3 times खर्चा कराएगा दोस्तों। सभी ड्राइवर्स ऐसे नहीं होते, पर फिर भी बहुत ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जो कमीशन बेसिस पर काम करते हैं, आपको यहाँ वहाँ गाड़ी रोकेंगे, आपसे शॉपिंग करवाएंगे। आप जब पोनी राइड के लिए जाओगे सोनभद्र में, पहलगाम में, आपको तो रेट्स पता होंगे नहीं, तो रेट्स आपको ऐसा बोला जाएगा कि आप नेगोशिएट भी करोगे तो फिर भी वो 3 to 4 times 5 times तक भी ऊपर हो सकता है दोस्तों। बाद में आपको पता लगे कि आपने कितने पैसे खर्च कर दिए और आप रिग्रेट करोगे। तो रिकमेंडेड ड्राइवर्स के साथ जाएं जिन्हें आप पहले से जान रहे हो या आपको रेफरेंस मिला हो, उन्हीं के साथ जाएं जिनके साथ हमने ट्रिप किया था, उनका कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरी गारंटी आपको कोई ठग नहीं पाएगा दोस्तों, कि जो रेप्यूटेड ड्राइवर्स होते हैं, ट्रैवल एजेंसीज होते हैं, उनका ये मोटिव रहता है दोस्तों कि आप दोबारा कश्मीर आओ और उन्हीं को चूज करो, उन्हीं के साथ फिर से एक्सप्लोर करो, ना कि आप कश्मीरी कभी ना आओ। तो ऐसे लोगों के साथ ट्रैवल करो जो कि भरोसेमंद हो, जो प्रोफेशनल हो। तो मैंने जो कॉन्टैक्ट्स दिए आप उनको रेफर कर सकते हो। ये ऐसे लोग हैं जो बात बात पे गाड़ी नहीं रोकते और आपको अच्छी तरह गाइड करते हुए आपकी ट्रिप कराते हैं, ताकि आपकी ट्रिप यादगार हो और जब आप दोबारा कश्मीर आओ तो आप उन्हीं को कॉल करो दोस्तों। अभी हाल की न्यूज है दोस्तों, एक ड्राइवर ने जो है टूरिस्ट फैमिली थी उनको 25,000 रूपये में पश्मीना शॉल खरीदवाया। बाद में जब वो गुलमर्ग पहुंचे घूमने के लिए, उन्हें पता लगा कि जो शॉल उसने 25,000 में खरीदवाया है वो गुलमर्ग में 7,000 में उन्होंने लिया। उन्होंने ड्राइवर को पकड़ा, फिर पिटाई की और पुलिस बुलाने तक की नौबत आई। फिर पता नहीं उन्हें पैसे वापस मिले या नहीं मिले, बट ऐसे भी कांड होते हैं दोस्तों वहां पे। तो जो लोग श्रीनगर से अप डाउन करके एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी आइटिनरी वीडियो बनाई थी, अभी से 7-8 महीने पहले बनाई थी दोस्तों, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें समझाया है कि कौन सा सीजन किस बात के लिए जाना जाता है, आपको कब वहां जाना चाहिए, कैसी आपकी आइटिनरी होनी चाहिए, ये सब मैंने उसे बहुत ही अच्छे से समझाया। बहुत ही मेहनत लगी थी उसे बनाने में, आप उसे जरूर देखें। और उसमें बस आप ध्यान रखिए कि कैब रेट्स जो है वो नवंबर 2020 के कैब रेट्स है, उसमें अभी के कैब रेट्स चेंज हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि हम जब गए थे तो उस समय पेट्रोल की कीमतें जो थी 80s में चल रही थी, अभी ये 100-105 हो चुका है। कैब रेट्स की बात करें तो अभी के जो करंट कैब रेट्स हैं छोटी गाड़ी के लिए, अगर आप सिंगल हो, कपल हो, ज्यादा लोग नहीं हो, 2 लोग हो तो छोटी गाड़ी में आपका काम हो जाएगा, उसके लिए जो रेट्स है दोस्तों वो है 2600-2700 अभी रेट चल रहा है। और अगर कोई इससे बहुत ज्यादा कम में ऑफर कर रहा है आपको, तो बहुत चांसेस है कि वो आपको रास्ते में स्कैम करेगा, एक्टिविटीज के नाम पे आपसे 2 गुना 3 गुना पैसे वसूलेगा, तब जाकर उसका वो मेकअप होगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों रेप्यूटेड लोगों के साथ ही ट्रैवल करें, 100-200 के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि क्या पता ये 100-200 के चक्कर में आपके 10-20 हजार रूपये खराब हो जाएं, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये थे छोटी कैब्स के चार्जेस। और पहलगाम के लिए हो सकता है 100-200 रूपये आपसे ज्यादा चार्ज करे, क्योंकि पहलगाम दूर है, बाकी यही रेट रहेगा दोस्तों। और अगर आप इनोवा से जा रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करो कि 3200-3300 तक आपको कैब मिल जाएगी दोस्तों। और ये जो मैं रेट्स बता रहा हूँ ये अभी के रेट्स हैं, ये आजकल के रेट्स हैं। इससे पहले जब दुर्गा पूजा में बहुत ज्यादा टूरिस्ट आ रहे थे, रेट्स इससे भी ज्यादा थी। अगर आप अभी इस रेट पे बुकिंग करा लेते हो तो आगे आपके लिए फायदा होगा। इसके अराउंड अगर आपको कैब मिल रही है तो अच्छा रेट है दोस्तों। ये जो मैंने रेट्स बताया है ये सेम डे रिटर्न के रेट्स हैं, श्रीनगर से अगर आप अप डाउन कर रहे हो उसके रेट्स हैं। अगर आप स्टे कर रहे हो गुलमर्ग, पहलगाम, हर जगह स्टे कर रहे हो तो कैब रेट्स इससे कम होंगे दोस्तों। बहुत से लोग पूछते हैं कि ज्यादा होगा या कम होगा अगर हम वहां स्टे करें, तो इससे कम रेट मिलेगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद है कि मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है। और यदि आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, आपकी क्वेरी हो, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, आप इंस्टा पे मुझे पिंग कर सकते हो, मैंने अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पे आपको मैं रिवर्ट कर दूंगा। आगे जो भी अपडेट्स होंगे कश्मीर से रिलेटेड मैं जरूर आपको टाइमली अपडेट दूंगा। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, जरूरतमंद है उन्हें वीडियो शेयर करें और अवेयर टूरिस्ट बने दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।